हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि SSC GD की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट्स से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इन स्टूडेंट्स का आज का पेपर कैसा हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप भारतवर्ष में होने वाले किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे, बैंकिंग, SSC। आप सभी स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए। और टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और अपने आप को जज कर पाते हैं कि आखिर उनका जो स्टैंड है वो किस पर्टिकुलर लेवल पर स्टैंड करता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है Umang10, इसको अप्लाई करके आप आसानी से टेस्ट बुक के LA टेस्ट बुक पास प्रो को परचेज कर सकते हैं। तो भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज के पेपर बहुत अच्छा ही गया। अच्छा। और एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन था, पर घुमा घुमा के दिया हुआ था सारा क्वेश्चन को। और अभी हम हजारीबाग से बिलोंग कर रहे हैं। अभी फिर हजारीबाग जाएंगे। इस सब का लोकल एरिया को इधर से उधर कर दिया है, जिसको देना चाहिए लोकल में उसको दे दिया, दूर में। ठीक है, आप एक बात बोले कि घुमा घुमा के दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि क्वेश्चन को, मतलब कि अगर शॉर्ट ही क्वेश्चन है तो उसको घुमा दिया कि जैसे दिमाग का मतलब कंफ्यूजन हो जाए। अच्छा, बस। तो भाई साहब ने जो बात कही उससे आप सहमत हैं? यस, सहमत हैं। अच्छा, तो क्या आपको लगा कि आप भी आज घूम गए? हाँ। तो आप घूम गए कि पेपर को आप घुमा दिए? नहीं, कुछ बहुत क्वेश्चन में घूमे हम भी। अच्छा। लेकिन और कुछ बहुत पेपर को हम भी घुमा दिए। तो सर, आप भी घूमे उसको भी घुमाए? हाँ, दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन रहा। हाँ। कितना अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट वही 64 को किए। 64, क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ अभी तो मालूम नहीं है। क्या लगता है, बॉर्डर पार कर देंगे? बॉर्डर पार कर पाइएगा, कट ऑफ पार कर पाइएगा? अभी क्या है उम्मीद? हाँ, होगा, हो जाएगा। अच्छा, मैं और लोहरदगा से बिलोंग करता हूँ। लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला से? हाँ। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? सबसे आसान क्या लगा आज? आसान? हाँ, एग्जाम हिंदी का। हिंदी का? और सबसे मुश्किल क्या लगा? मुश्किल मैथ का, तैयारी नहीं था तो मैथ लगा। अच्छा, लेकिन तैयारी करते तो भी नहीं कुछ था। अच्छा, तैयारी नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस इतने का। ठीक है, धन्यवाद, एन वी ऑल द बेस्ट। तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आज के पेपर के बारे में? पेपर बड़ी अच्छा था। हाँ। कोई हाई लेवल का पेपर नहीं था। हाँ। अटेंड किया, सभी की अटेंड किया। हाँ। गणित में कुछ नहीं कर पाया। अच्छा। टाइम खत्म हो गया था। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन छूटा भी या सारा अटेम्प्ट कर दिए? नहीं, 20 क्वेश्चन छूट गए। 20 क्वेश्चन छूट गया? हाँ। अच्छा, तो क्या लगा टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाया? नहीं, ज़्यादा स्पीड नहीं है ना। स्पीड नहीं था? स्पीड नहीं था। सबसे आसान सब्जेक्ट क्या लगा आज? आसान हिंदी लगा। हिंदी? हिंदी। और सबसे मुश्किल क्या लगा? गणित। गणित। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और कुछ कहना चाहेंगे। कहाँ से आए? पुरुलिया जिला। पुरुलिया? हाँ। सेंटर के अंदर किसी तरह कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं? परेशानी नहीं। ठीक है, इधर भी कुछ भाई साहब है? भाई साहब, हो गया पेपर? हाँ, हो गया। क्या कहना चाहेंगे पेपर के बारे में? वो सर, हम एक जन नहीं दिया। आप दिलवाने आए थे? नहीं, नहीं, गार्जियन। अच्छा, आप गार्जियन के तौर पे आए थे। पेपर हुआ आपका भाई साहब? हाँ, हो गया। क्या कहना चाहेंगे पेपर के बारे में? बहुत इजी पेपर था आज का। अच्छा। वो हिंदी और रीजनिंग तो काफी इजी था। हाँ? थोड़ा बहुत मैथ लेंदी था, लेकिन बनने लायक था मैथ भी। अच्छा, और बाकी सब चीज बढ़िया था। कितना अटेम्प्ट किए? लगभग उमंग स्टडी 65-70 के बीच में। 65-70। और क्या उम्मीद लेकर के आए थे कि कितना अटेम्प्ट करेंगे आज आप? जो उम्मीद लेकर आए थे वो पूरा हुआ। जो उम्मीद लेकर आए थे वो पूरा हुआ। बस, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले कभी नहीं बैठा है? नहीं नहीं, ये पहला अटेम्प्ट था मेरा। क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? वो तो नहीं बता सकते। अच्छा, कहाँ से आए हैं? गिरिडीह से। सेंटर के अंदर किसी तरह कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। पूरी तरह से खुश है? हाँ, पूरे खुश है। तो जिनका एग्जाम अभी बचा हुआ, उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेपर काफ़ी इजी आ रहा है, आप लोग घबराइए मत। पेपर बहुत इजी आ रहा है, जितना आप सोच रहे हो उतना कठिन पेपर नहीं आ रहा है। हाँ। बहुत इजी पेपर है, आप आराम से आइए, परीक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है जिनका एग्जाम बाद में होता है, फर्स्ट डे के बजाय सेकंड डे, और उन लोगों को एग्जाम रिव्यू के कारण थोड़ा बहुत कुछ आइडिया वगैरह हेल्प वगैरह हो पाता है, या फिर लगता है कि फर्स्ट डे ही हो गया तो वही ठीक है? नहीं नहीं, पहला पेपर देखने में उन लोग बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाता है किस तरह पेपर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो उन लोग काफ़ी अच्छा से वो देख सकते हैं वो पहला अटेम्प्ट देखने के बाद वो। तो आपका ड्रीम जॉब कौन सा है? मेरा तो CRPF है। और आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या डाला? ये पहला तो SSF है। SSF है? हाँ। तो ड्रीम कुछ और है, डाले कुछ और है? ये पोस्ट वाइज मैंने डाला था इसीलिए। अच्छा, चलो।
ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए। थैंक यू, वेलकम। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स से आपको मिलवाया, एसएससी जीडी की जो परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक